नगरीय निकाय चुनावों में कहा जा रहा था कि जो टिकट का बंटवारा है वो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और संघ की पसंद के मुताबिक किया है, लेकिन फिलहाल जीत दर्ज कराने के बाद या कहा जाए चुनाव के नतीजों के बाद ये टिकट की सर्जरी जब की गई तो कहा गया कि जो तमाम बड़े नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के वो टिकट को हासिल करने में कामयाब भी रहे और अपने सेकेंड लाइन को यहाँ पर कुर्सी पर बिठाने में कामयाब होते भी नजर आए। कुछ ऐसी ही पॉलिटिकल और बड़ी दिलचस्प सियासी कहानी है इंदौर नगर निगम चुनाव की भी। ये पूरी कहानी हम आपको इस खास सेगमेंट में सुनाएंगे। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि आप यहाँ पर ये तस्वीर देखकर अंदाजा खुद ही लगा पा रहे होंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के लाडले कौन है, तो इस सियासी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब माननीय महापौर जी के शपथ ग्रहण की बारी आई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो नहीं आ पाए, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने इंदौर आकर ये सियासी संदेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर जो कि कमल के फूल पर जीत कर आए हैं वो और किसी के लाडले नहीं बल्कि वीडी शर्मा जी के हैं। और ये जो सियासी रिश्ता है ये बहुत पुराना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जमाने से पुष्यमित्र भार्गव वीडी शर्मा के पदचिन्हों पर चलते दिखाई देते थे, जो कि यहां पर इस तस्वीर के जरिए साफ होता भी दिखाई दिया। और उनके शपथ विधि समारोह में एक बार नहीं बल्कि पांच पांच बार खुद विष्णु दत्त शर्मा ने पुष्यमित्र भार्गव जो कि इंदौर के महापौर हैं उन्हें छोटे भाई कहकर जब संबोधित कह दिया तो यहां पर तमाम नेताओं के चेहरे पर सिर माथे पर चिंता की लकीरें भी आ गई। जी हाँ, ऐसा होना भी लाजमी था क्योंकि कहा जाता है कि जब भी पार्टी का मुखिया किसी को अपना भाई या फिर किसी को अपना छोटा यहाँ पर करार देते तो तमाम राजनीतिक जो तमाम चेहरे हैं और तमाम जो राजनेता हैं उनके पॉलिटिकल करियर पर ग्रहण सा लगता दिखाई देता है। ऐसा क्या वाकई में इंदौर में भी होगा और क्या वाकई में विष्णु दत्त शर्मा के ये लाडले इंदौर की निगम सरकार को एक और नया सिरमौर दे पाएंगे, ये फिलहाल भविष्य के गर्त में है। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल कहानी की सर्जरी करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे ही सही लेकिन कैसे पहले टिकट की कुर्सी के करीब पहुंचे पुष्यमित्र भार्गव और अब महापौर की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के मुखिया यानी कि पार्टी के प्रमुख वीडी शर्मा के भी लाडले कहे जा रहे हैं पुष्यमित्र भार्गव। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों एमपी की सियासत में बीजेपी का यूथ सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे का कारण युवा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का लगातार एक्टिव बने रहना है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एमपी के हर जिले में अपने ऐसे युवा नेताओं को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सियासत की नई इबारत भी लिख सकते हैं। इसी तारतम्य में इंदौर से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को प्रोजेक्ट किया। जहां सियासत के जानकारों की माने तो युवा महापौर पुष्यमित्र भार्गव इंदौर में वीडी शर्मा के लाडले नेताओं में से एक हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव दोनों ही नेता सियासत में लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ ही माने जाते हैं। जहां एबीवीपी से लेकर बीजेपी तक इन दोनों ही नेताओं का दम देखने को मिल रहा है, वहीं पिछले दिनों जब महापौर पुष्यमित्र भार्गव के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल नहीं हो सके थे तब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा स्वयं इंदौर आए और पुष्यमित्र भार्गव को महापौर पद की शपथ दिलवाई थी। इस दौरान वीडी शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान कई बार पुष्यमित्र भार्गव की सराहना भी की थी और लगभग पांच बार पुष्यमित्र भार्गव को अपना छोटा भाई कहकर संबोधित भी किया था। इंदौर के विकास के बारे में विचार और मंथन करते ऐसे लोगों के साथ मिलकर के उनके विचारों को जमीन पर उतारने का काम कि इस इंदौर में जो यात्रा है जो विकास की गति है उसको आगे बढ़ा करके नए प्रयोग इस इंदौर के अंदर क्या होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई पुष्यमित्र भार्गव इस नए इंदौर को नया स्वरूप देने का काम आप सबके सहयोग से करेंगे। इसलिए मित्रों आज मैं यहाँ पर भाजपा और नई सोच के महापौर बने हैं, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इंदौर की भावनाओं के अनुरूप इंदौर की संभावनाओं के अनुरूप
पुष्यमित्र भार्गव जो मेरे छोटे भाई नौजवान के तौर पर आप सबने उन्हें आशीर्वाद दिया है, मिलकर के इस इंदौर को नया इंदौर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी में अब यूथ सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। जहां युवा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से सियासत में प्रोजेक्ट किए गए नेताओं में से एक महापौर पुष्यमित्र भार्गव का दम भी अब देखने को मिल रहा है। इंदौर नगर निगम की सत्ता की चाबी जरूर यहां पर बीजेपी के पार्टी प्रमुख वीडी शर्मा ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को सौंप जरूर दी है, लेकिन क्या इस चाबी का वो सही इस्तेमाल कर पाएंगे और इंदौर की तमाम सियासी नूरा कुश्ती के बीच में अपनी अहम भूमिका को कायम कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उन्होंने 3 महीने यानी कि 90 दिनों का रोड मैप तैयार करके ये संदेश देने की जरूर कोशिशें की हैं कि पुष्यमित्र भार्गव भी एक मंझे हुए एक सूझबूझ भरे राजनेता हैं जो कि आने वाले 90 दिनों में अपनी काबिलियत और अपनी योग्यता का लोहा भी मनवाएंगे, लेकिन किस तरह से तमाम नाराज नेताओं को वो मना पाते हैं, सियासी समीकरणों में फिट हो पाते हैं और कैसे ताई भाई साई बाबा भाभी और तमाम जो चेहरे हैं उनके बीच में अपनी एक अलग कॉमन मैन वाली इमेज को कायम कर पाते हैं, ये एक बड़ी पहेली है, बड़ा चुनौती है यहाँ पर, उसका सामना वो कैसे करते हैं ये देखना इस सियासी कहानी में बहुत दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो वीडी शर्मा यानी कि विष्णुदत्त शर्मा के दूत भी कहला रहे हैं पुष्यमित्र भार्गव और विष्णुदत्त शर्मा के लाडले भी बन गए हैं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव। एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये खास खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजातरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।